Good morning, children. Children, today we will start a new chapter, chapter 6, the junk seller. So in this chapter, children, we will learn about the multiplication. Actually, in this chapter we will learn, that means, or any junk seller, how they sell the object and how they deal with their prices. So have you ever met a Kabadi Bali, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. तो बच्चों, कभी आप कोई कबाड़ी वाले से मिले हो? अ वुमेन हु सेल्स जंक, मतलब जो कि जंक, मतलब बच्चों जो सामान हमारे घर में अनयूज्ड हो जाता है, मतलब हम जिस सामान को यूज़ नहीं करते हैं और वो सामान को हम एक कबाड़ी वाले को बेच देते हैं. तो आपने कोई ऐसे वुमेन को देखा है जो जंक खरीदती है? दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाई किरण. तो बच्चों, जो एक ये स्टोरी है, ये एक सच्ची कहानी है जो किरण की है, जो पटना में एक जंक शॉप चलाती है. I studied in a Hindi medium school in my village. My father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I had hated maths. Today maths is most useful for my work. I could never imagine this in school. तो बच्चों, जो किरण बोलती है कि मैं एक अपने गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ. मेरे पिता लड़कों की तरह ही मुझे भी पढ़ाना चाहते थे और मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थे. बट आई हेट मैथ, मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती थी. बट टुडे मैथ इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क, पर आज मेरे काम के लिए जो मैथ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई कुड नेवर इमेजिन दिस इज इन स्कूल, पर ये जो बात थी मैं अपने स्कूल में कभी इमेजिन नहीं कर पाई. सो चिल्ड्रन, द मैथ इज़ अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट फॉर आर नॉट ओनली फॉर आवर स्टडी, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन आर फ्यूचर इन सो मैनी एस्पेक्ट्स. सो चिल्ड्रन, आर यू हैव टू टेल वट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट? अब बच्चों, आप लोग बताओ, क्या सच में आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगती है? अगर लगती है तो क्यों, और अगर नहीं लगती है मैथ्स डिफिकल्ट, सो इट्स अ गुड, सो इट्स बिकॉज मैथ्स इन बिल्ड योर स्किल्स चिल्ड्रन. सो वॉट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? हाँ, तो बच्चों, अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगती है तो ये आपको बताना है कि आपको मैथ्स की जो बुक है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगता है. लाइक विच टॉपिक यू थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन योर मैथ बुक. नाउ वॉट डू यू थिंक इज द ईजिएस्ट लेसन? और बच्चों, फिर आपको ये भी बताना है कि उन सब में से आपका सबसे आसान जो आपको लेसन कौन सा लगता है. तो किरण बताती है कि व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज. तो जब किरण बहुत छोटी थी तो उसके पिता की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई. सो माई मदर वर्क एज अ सर्वेंट इन सम हाउस, इसलिए मेरी माँ ने कुछ घरों में एक नौकर की तरह काम किया. वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम, हमारा एक बहुत ज़्यादा कठिन टाइम था. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, मुझे क्लास 8 के बाद अपना स्कूल को छोड़ना पड़ा. आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गेट मी मैरिड, मैं और भी पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी. माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल, ही हैड अ टी स्टॉल. और जो मेरे हस्बैंड की फैमिली थी वो भी एक मड हाउस, मतलब बच्चों एक मिट्टी के घर पे रहते, मिट्टी का जो घर बना होता है उसमें रहते थे. उनके भी दो भाई और एक बहन है जो स्कूल नहीं जाते थे, और उनका, जो उसके किरण के हस्बैंड है, उनका एक टी स्टॉल था. सो फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एट अ टी स्टॉल एट अ होटल. सो चिल्ड्रन, ये आपको मतलब पता करना होगा कि जो चाय का जो कॉस्ट है वो टी स्टॉल पे कितना होता है और होटल पे कितना होता है. मतलब टी स्टॉल पे हमें चाय कितने रुपए की मिलती है और होटल में हमें चाय कितने रुपए की मिलती है. नाउ इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे. अब बच्चों देखो कि कोई एक इंसान, जो कोई एक पर्सन है, वो एक दिन में टी बेचने पर उसको 30 रुपये कमाता है एक दिन में. तो बच्चों, वो हाउ मच ही विल अर्न इन 10 डेज, तो बच्चों वो 10 दिन में कितना कमाएगा? तो बच्चों, अगर वो एक दिन में कितने रुपए कमा रहा है 30, तो अगर 10 दिन में तो क्या होगा, हमको 30 में 10 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई. तो अगर हम 10 को 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300. तो चिल्ड्रन, 10 दिन में वो कितना कमाएगा, 300 रुपीज़. और एंड इन अ मंथ
तो बच्चों ये तो उसने 10 दिन में कमाया, तो एक दिन में वो कितना कमाता है, 30 रुपये। तो एक दिन में वो कितना कमाता है, 30 रुपये। और बच्चों एक मंथ में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज इन अ मंथ, टोटल 30। सो हाउ मैनी रुपीज, दैट मीन्स 900। सो चिल्ड्रन इन अ मंथ ही अर्न अ 900 रुपीज। ओके, नाउ आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। तो जो किरण था, किरण थी, उसने सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। आई थॉट आई शुड ओपन अ बैंगल शॉप और अ ट्रेलर शॉप। तो उसने सोचा कि मैं या तो कोई चूड़ी की दुकान खोल लूँ या तो फिर मैं एक टेलर की शॉप खोल लूँ। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाई ओपनिंग अ जंक शॉप। लेकिन जो उसके अंकल थे, उन्होंने उससे कहा कि हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अगर हम एक जंक शॉप, मतलब एक कबाड़ी की दुकान खोल लें। इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप। इसलिए 2001 में उसकी जो मदर इन लॉ, दैट मीन उसकी जो सास थी, उसके हस्बैंड की जो मदर थी, उसने और किरण ने मिलकर एक जंक शॉप खोली। वी टुक अ लोन ऑफ ₹800 फॉर द शॉप, और उसने उस शॉप के लिए 8,000 रुपये का लोन लिया। सो चिल्ड्रन वाई विल टेक अ लोन? सो चिल्ड्रन देखो बच्चों, अगर इफ़ यू हैव नॉट सफिशियंट मनी टू बाई अ थिंग और टू ओपन अ बिजनेस, वी हैव टेकन लोन। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे कि कभी हमारे पास किसी चीज़ को खरीदने के लिए सफिशियंट रुपए नहीं होते हैं, तो हम किसी से लोन, मतलब हम किसी से उधार लेते हैं पैसे। सो हैव यू एवर हर्ड ऑफ समथिंग टेकिंग समवन टेकिंग अ लोन फॉर वॉट? तो बच्चों क्या आपने कभी सुना है कि कोई किसी ने लोन लिया? सो चिल्ड्रन नाउ अ डेज यूजली वी टेक अ लोन, वी हैव टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड द लोन इज यूजली टेकन फॉर टू बाई अ न्यू हाउस और न्यू कार और फॉर अ स्टडी। सो इन हाउ मै इन नंबर ऑफ वेज वी हैव वी विल टेक अ लोन? सो नाउ एंड हाउ मच लोन वॉज टेकन? और चिल्ड्रन आपको ये भी बताना है कि उसने कितने रुपए का लोन लिया था एंड हाउ मच मनी वॉज पेड बैक। और एक्चुअली चिल्ड्रन क्या होता है कि हम जब किसी चीज़ पे लोन लेते हैं तो हमें उस पे वी हैव टू गिव सम इंटरेस्ट ऑन दिस। सो आपको ये बताना होगा कि हमें कितने रुपए वापस देने पड़े। अब बच्चों को जैसे हम किसी से उधार लेंगे तो हमको वो चीज़ वापस भी तो करनी पड़ेगी। नाउ सम एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन, दिस इज हरिया एंड बाबू वेंट टू बाई अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। तो हरिया और बाबू थे, उन्होंने दोनों ने हैंड कार्ट को खरीदने के लिए 300 का लोन लिया। तो ये हरिया है, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। तो उसने 6 महीनों के लिए बैंक से ₹300 का लोन लिया। पर क्या है, उसको उस लोन को चुकाने के लिए उसको बैंक में हर महीने ₹51 उसको पे करना पड़ता है, मतलब उसको हर एक महीने में ₹51 पे करना पड़ता है। जबकि जो बाबू है, बट आई हैव टेकन अ लोन फॉर 300 फ्रॉम चुन्नीलाल। और इसने जो हरिया ने जो लोन लिया था वो बैंक से लिया था, पर इसने जो बाबू ने जो लोन लिया था वो एक कोई पर्सन चुन्नीलाल से लिया था। और उसको 6 मंथ बाद उसको कितना पे करना पड़ा, ₹360। सो नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू टेल हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। तो बच्चों आपको ये बताना है कि किसने रुपए सब किसको रुपए ज़्यादा पे करने पड़े, हरिया को बाबू को। तो बच्चों चुन्नीलाल को, सॉरी बाबू ने कितने रुपए पे करे, ₹360 इन 6 मंथ। पर हम और जो हरिया है उसने कितने पे करे, तो इफ़ वी फाइंड आउट दैट मीन्स 51 इंटू 1 मंथ का 51 है, तो 6 मंथ का कितना होगा, वी मल्टीप्लाई बाय 6, तो हाउ मच वी गेट, सो चिल्ड्रन हरिया विल पे 306 रुपीज, बट बाबू हैज पेड 6 ₹360। तो हु हैज टू प्ले बैक मोर, एब्सोल्युटली चिल्ड्रन बाबू। व्हाट इज, क्योंकि बाबू को कितने रुपए देने पड़े, 360 रुपये, 360 रुपये, जबकि हरिया ने कितने पे किए, ओनली 306 रुपीज। ओके, नाउ पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट अवर वर्क। तो जो किरण है वो बोलती है कि जो जो लोग हैं वो हमारे काम, मतलब पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट अवर वर्क, दे कॉल इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस। तो जो लोग हैं वो हमारे काम पे क्या करते हैं, हंसते हैं और हमारे काम को गंदा काम या डर्टी बिजनेस बोलते हैं। बट आई डिड नॉट थिंक सो, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क।
पर क्या बच्चों, मुझे ये काम मुझे ये बुरा नहीं लगा और मैं जानती थी कि ये काम करेगा, और बच्चों इस उसने काम किया भी। नाउ वी हैव अ पक्का हाउस विथ इलेक्ट्रिसिटी, अब उसके पास एक पक्का घर था विथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। वी हैव अ फ्रिज, उसके घर में फ्रिज भी था, टीवी भी था और गैस स्टोव भी था। और माई हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर एंड ऑल्सो माई डॉटर गो टू स्कूल, और इस वजह से उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी हो गई। और उसके अब हस्बैंड भी क्या, उसके हस्बैंड के भाई, सिस्टर और उसकी डॉटर भी अब क्या स्कूल जाने लगे। नाउ चिल्ड्रन, आई हैव 9 रिक्शाज ऑफ माई ओन, आई गिव द रिक्शाज ऑन रेंट ईच फॉर रुपये 20 a day। नाउ चिल्ड्रन, विद अलॉन्ग विद द जंक शॉप, किरण ने क्या किए, 9 रिक्शे भी अपने खुद खरीद लिए उसी जंक शॉप से। सो चिरन, जस्ट थिंक हाउ मैनी प्रॉफिट शी विल अर्न फ्रॉम हर बिजनेस, सो दैट शी कैन बाई अ 9 रिक्शा। सो शी बाउट 9 रिक्शा, तो उसने 9 रिक्शे उसके पास थे, और जो बच्चों और वो 9 रिक्शे वो रेंट पे देती थी, और कितने के 20 a day। ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम, लेकिन संडे को क्या था, वो चिल्ड्रन किसी उनसे कोई भी पैसे नहीं लेती थी, जबकि बाकी जो 6 days थे उनके वो 20 rupees हर एक रिक्शे के वो रेंट पे देती थी। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे। सो चिल्ड्रन, वी कैन फाइंड आउट कि अगर वो एक रिक्शा का एक दिन का 20 rupees वो रेंट लेती थी, तो वो चिल्ड्रन 9 रिक्शे का कितना लेगी, 20 into 9, ओके, दैट मीन्स 180 rupees। सो चिल्ड्रन, दिस इज द वन मैथड टू फाइंड आउट द रुपीज, एंड देयर आर ऑल्सो अनदर मैथड विच यू कैन फाइंड आउट द मनी। सो लाइक वन अनदर मैथड है, आई विल डू इट लाइक दिस, 9 times 2 दैट मीन्स 18, 9 into 2 18, एंड 9 times 20 इज 180। सो फ्रॉम दिस मैथड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, एंड दिस इज ऑल्सो अनदर मैथड। सो चिल्ड्रन, हाउ मैनी वी हैव टू टेक, लाइक फर्स्ट वी फाइंड आउट द टोटल मनी फॉर द 10 रिक्शा, सी विल गेट 220 into 10 दैट मीन 200। तो बच्चों 10 रिक्शों के लिए उसको कितने रुपए मिले, 200 रुपए, पर हमें कितने रिक्शों के लिए चाहिए, 9 रिक्शों के लिए। सो वी कैन सब्सट्रैक्ट 200 minus 20, बिकॉज 20 इज द कॉस्ट फॉर अ वन डे। सो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन ऑल्सो अचीव 180 रुपए। सो चिल्ड्रन, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट मीन देर आर टू मैनी वेज टू फाइंड आउट द मल्टीप्लीकेशन मैथड। सो नाउ चिल्ड्रन, यू हैव नाउ थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट। सो देर आर थ्री वेज दैट मीन वी कैन फाइंड आउट दिस, लाइक वन मैथड दिस, सेकेंड एंड थर्ड। सो देर आर ऑल्सो अनदर मैथड। सो चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टू डू दिस बाई योर सेल्फ, दैट मीन यू हैव टू फाइंड आउट, थिंक ऑफ सम अदर वेज टू डू इट। एंड नाउ चिल्ड्रन, लाइक इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा। सो चिल्ड्रन, फ्रॉम 1 रिक्शा शी अर्न 20 rupees, ऑल राइट, हाउ मैनी मनी 20 rupees, दैट मीन्स 20। और बच्चों वो संडे को तो कोई रेंट लेती नहीं थी, तो अब वीक में उसको कितने दिन का वो रेंट लेती थी, ओनली 6 days, एंड हाउ मनी मनी, दैट मीन्स 120 rupees। सो चिल्ड्रन, हाउ मनी मनी शी टेकन फ्रॉम 1 रिक्शा इन अ वीक, दैट मीन्स टोटल 120 rupees शी अर्न। Okay, and now there are some multiplications, so you have to do by yourself, children. And I have my own small junk shop. I buy junk from junk collectors, then go from house to house and bring junk on hand cars. I then sell it at the big shop. So children, jo Kiran thi, wo uski khud ki ek छोटी जंक शॉप थी, जिससे वो जंक कलेक्टर से वो जंक को ख़रीदती थी। और जो क्योंकि जो जंक कलेक्टर थे वो घर पे घर जाते थे, और वो जो अपनी हैंड कार्ट पे, अपनी जो हाथ गाड़ी थी उस पे वो जंक लाते थे, और उसको एक कोई बड़े शॉप में उसको भेज देते थे। सो चिल्ड्रन, सो दिस इज फॉर टुडे, द रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। So this is for today. Thank you, children.